डिफ। अच्छा आप मुझको फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, इन विच इवेंट वी गॉट द मेडल इन ओलंपिक गेम्स? यू नो ऑल द मेडलिस्ट? हाँ जी यस अभिनव। सर एक तो जेवलिन थ्रो हो गया और सर एक मिनट लेट मी रिमेम्बर। ओके चलो ओके बेटर है। यू राइट डाउन, कॉपी आपके पास पड़ी है? हाँ जी सर। चलो मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन गोल्ड मेडलिस्ट। नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो जेवलिन थ्रो। देन यू हैव टू राइट 87.58 मीटर। सर इंडिया गॉट टोटल मेरे हिसाब से 6 या 7 मेडल मिले इसको गिन टोटल के। हाँ जी हाँ जी। अब आप लिखो, मैं आपको सब डिटेल में बताता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग। यू जस्ट राइट डाउन नाउ। नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो 87.58 मीटर। ये बेटा आपको वाइवा के लिए भी आपको पता होना चाहिए। व्हेन यू मेक योर प्रोजेक्ट फाइल, ही इज द फर्स्ट एथलीट, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट एथलीट हमारा है जिसने गोल्ड मेडल लिया है एथलेटिक्स में। बिफोर दिस देर इज वन गोल्ड मेडल इन 2008, दैट इज इन शूटिंग, अभिनव बिंद्रा। यू कैन राइट दिस फॉर योर वाइवा क्वेश्चन। नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो 87.58, फर्स्ट एथलीट आफ्टर इंडिपेंडेंट इन एथलेटिक इवेंट हु गॉट द गोल्ड मेडल। बिफोर दिस अभिनव बिंद्रा इन शूटिंग 2008 में गोल्ड लिया था उसने, ठीक है। नेक्स्ट मीराबाई चानू, मीराबाई चानू सिल्वर मेडल इन वेट लिफ्टिंग, सिल्वर मेडल इन वेट लिफ्टिंग वुमेन 49 केजी कैटेगरी। शी इज ऑल्सो वन ऑफ द सिल्वर मेडलिस्ट। देन नेक्स्ट सिल्वर मेडलिस्ट इज रवि कुमार, रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया सिल्वर मेडलिस्ट इन मेंस 57 केजी रेसलिंग इवेंट। देन नेक्स्ट आपके ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हो गए। आपका एक गोल्ड मेडल, टू सिल्वर मेडल है, रेस्ट ऑल ब्रॉन्ज। देन राइट डाउन इंडियन हॉकी मेन्स टीम, इंडियन हॉकी मेन्स टीम। इसकी आपको सबकी नॉलेज होनी चाहिए लिटिल बिट। आफ्टर 41 ईयर्स के बाद इंडिया ने मेडल लिया है हॉकी में। देन नेक्स्ट यू राइट डाउन पीवी सिंधु, पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल इन वुमेन सिंगल बैडमिंटन
इन वुमेन सिंगल बैडमिंटन पीवी सिंधु देन नेक्स्ट इज लवलीना लवलीना ब्रॉन्ज मेडल इन वुमेन बॉक्सिंग बॉक्सिंग में उसका मेडल था ब्रॉन्ज देन बजरंग पुनिया बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज मेडल इन मेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग रेसलिंग में बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन रेसलिंग फ्री स्टाइल रेसलिंग नाउ कितने टोटल हो गए आपके वन गोल्ड टू ब्रॉन्ज टू सिल्वर एंड फोर ब्रॉन्ज टोटल सेवन मेडल द हाइएस्ट मेडल एवर इंडिया अचीव्ड इन ओलंपिक इसमें से भी बेटा आपको कईयों का पता होना चाहिए कई बच्चे हैं जो आपके फाइनल हीट तक गए हैं दिस इज ऑल रिगार्डिंग फॉर योर प्रोजेक्ट फाइल वाइवा क्वेश्चन ठीक है और जितने भी आपके ये एथलीट हैं स्पोर्ट्स पर्सन हैं इनकी आपको डिटेल सारी लिखनी है वाइल यू आर मेकिंग प्रोजेक्ट फाइल्स लिटिल बिट यू राइट डाउन इनकी हिस्ट्री ठीक है उनका कैरियर कैसे शुरू हुआ है कैसे उन्होंने अपना कैरियर एज ए इंटरनेशनल लेवल पे अचीव किया इनमें से आपके बहुत से ऐसे जो हैं एथलीट हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली आपके ओलंपिक में वर्ल्ड चैंपियनशिप में एशियन गेम्स में ठीक है वहां पे उन्होंने अपना कंट्री का नेम फेम ये सारे आपके मेडलिस्ट हैं कोई एशियन में कोई कॉमनवेल्थ कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये नहीं कि रातों रात एक दिन में ये आपके मेडल लिए इन्होंने ओलंपिक्स में दे हैव अ वेरी गुड बैकग्राउंड रिगार्डिंग ऑल द इंटरनेशनल इवेंट्स चैंपियनशिप्स दिस इज क्लियर रिगार्डिंग ऑल मेडलिस्ट अभिनव Have you written? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Now, beta, today we will start one next topic. That is biomechanics and sports. ठीक है biomechanics का आपके sports में क्या role होता है? What is the effect? What is the importance of biomechanics in sports? ठीक है first of all, biomechanics क्या होती है? ठीक है biomechanics It is a branch of physics which studies the body movements and effect of various laws of physics. आपकी जो forces हैं हम body पे जब movement body की करते हैं तो उनका क्या effect पड़ता है ठीक है और हम देखो सारा दिन कोई ना कोई workout हम सारा दिन करते हैं different movement हम सारा दिन करते हैं तो we come to know कि हमने sports से इसका क्या relative है It is very necessary for Nowadays, biomechanics की studies से हमको पता लगता है कि what are the different forces when we apply तो उसमें movement ठीक है उसकी better उसका angle of किसी भी हम object को release करते हैं उसका angle of उसकी project उसका projectile ठीक है उसको किस angle पे हम आपने release करना है कौन सी movement है जिससे आपकी technique injuries आपको कम हो performance आपकी और improve हो तो nowadays this
बायोमैकेनिक इज ए पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन में भी और स्पोर्ट्स और गेम में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। इससे हम डिफरेंट एथलीट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, देन जो हम इंजरीज हैं उसको बहुत हद तक अवॉइड कर सकते हैं, एंड इट विल बी ऑल्सो हेल्पफुल इन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम आफ्टर इंजरीज। अगर किसी प्लेयर को इंजरीज हो जाती हैं तो उसको हमने कैसे ठीक करना है, उसको रिहैब कैसे करना है, तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग इन दिस बायोमैकेनिक्स। सिंपली बायोमैकेनिक्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ठीक है, तो दो वर्ड से बना होता है, बायो मीन्स द लाइफ एंड मैकेनिक्स मीन्स द डिफरेंट जो आपकी बॉडीज हैं उस पे फोर्सेस का क्या इफेक्ट पड़ता है वायर स्टैटिक पोजीशन और वायर यू आर इन डायनामिक पोजीशन में, ठीक है, तो उसको हम स्टडी करते हैं, बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है, ठीक है, उसमें कौन कौन से मेथड और मैकेनिकली यूज होते हैं जिससे हम परफॉर्मेंस को, इक्विपमेंट को, जो डिफरेंट आपके इक्विपमेंट्स होते हैं आपने देखा होगा उनका हर मेजरमेंट प्रॉपर होता है एज पर स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल लेवल, वो सारे उन्होंने इस हिसाब से ही बनाए होते हैं। ये नहीं कि आप जेवलिन फेंक रहे हो उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, बहुत कम हो जाए, तो स्टैंडर्डाइज हो करके सारी चीज़ें इसके अंडर आती हैं। इसमें हम सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं और जो इसका एक मेन अकॉर्डिंग टू वेबसर इनसाइक्लोपीडिया उसमें जो इसकी डेफिनेशन है, दैट इज बायोमैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस ऑन लिविंग बॉडी। जो आपके एक्सटर्नल है इंटरनल है फोर्सेस का, ठीक है, लिविंग बॉडी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, दैट इज द मेन। अब इसका हमको क्या इसका बेनिफिट है गेम्स में एंड स्पोर्ट्स में, तो सबसे पहले हमको इसका पता होना चाहिए कि व्हाट आर द मेन, व्हाट आर द डिफरेंट इम्पोर्टेंस। सबसे पहले बेटा इसका आपका आता है प्रिवेंशन फ्रॉम इंजरीज, ठीक है, मेन क्या है आपका। अब आपने अभी देखा होगा नीरज चोपड़ा, इफ यू हैव गॉन थ्रू विद द स्टेटमेंट गिवन बाय हिज कोच, बाय हिम और उसके फैमिली मेंबर्स, ठीक है, 19 में उसको इंजरीज हो गई थी, उसके बाद उसका ऑपरेशन हुआ एंड वो सक्सेसफुल रहा, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक टेंशन होती है ना सब, जब भी कोई आदमी इंजर्ड हो जाता है या कोई बीमार हो जाता है तो व्हाट हैपन, उसको जो रिहैब में हम डालते हैं उसको दोबारा से उसकी स्ट्रेंथ को, फिटनेस को, जहां से वो छोड़ के गया है, कोई भी आपका डैमेज हो गया है, लिगामेंट है, टेंडन्स है, ठीक है, बोन इंजरीज है, सम आपका कोई भी ऑपरेशन जिसका हो गया है, तो हमको क्या होता है उसको पार्ट को दोबारा से वैसे ही स्ट्रेंथन करना होता है जैसे बिफोर इंजरीज के वो था। तो उसके लिए बेटा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, डिफरेंट पीपल दे इन्वॉल्व विद देम, साइकोलॉजिस्ट, साइकोट्रिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, सारे आपका इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, और प्लेयर को हिमसेल्फ उसको अपना जो गिवन शेड्यूल है। अब इंजरीज है, आपको कितनी बार बोला इंजरीज इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ये इंजरीज हर स्पोर्ट्स पर्सन को होनी होगी, आप जितना मर्जी अवॉइड कर लो, जो मर्जी कर लो, व्हेन यू आर इन अ फील्ड व्हाट हैपन, आप पूरी एनर्जी के साथ पूरे जोश के साथ खेल रहे होते हैं, तो देन एट दैट टाइम वहां पर ये नहीं होता कि मैं ये करूंगा गिर जाऊंगा चोट लगेगी, नो, ऑन ग्राउंड यू हैव टू गिव योर 100%, यू हैव टू गिव योर 100%, यू हैव टू गो विद ऑल आउट परफॉर्मेंस, ठीक है, आप आगे का नहीं सोचते, उस टाइम आपके माइंड में वो ही होता है कि मैंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे देनी है, अपना जो मेरा मेन टारगेट है उसको मैंने कैसे अचीव करना है, व्हाट इज योर मेन मोटिव, ठीक है, कंपटीशन में आपने क्या करना है, मेडल लेना है, सबसे मेन होता है आपने विन करना है, तो दैट इज इन योर माइंड, तो उसी को लेके जब हम खेलते हैं तो हम सम टाइम क्या होता है बाई मिस्टेक कह लो, या हम जब किसी बॉडी कॉन्टेक्ट गेम है वहां पे तो आपको पता ही है चांसेस होना 100% होता ही है, जहाँ जो दोज वाला बॉडी कॉन्टेक्ट गेम, तो हमने सबसे पहला हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि इंजरीज को बचाना है, ठीक है, प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन के लिए क्या है, डिफरेंट जो फोर्सेस अप्लाई करते हैं, आपने अपने आप को कैसे सेव करना है,
आपने अपनी एनर्जी को कैसे कंट्रोल करना है, तो ये बायो मैकेनिक्स के थ्रू हमको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है रिगार्डिंग हर चीज़ से। आपने कोई चीज़ है, आप कोई थ्रो कर रहे हो, ठीक है, अब हमने देखा एंगल ऑफ रिलीजिंग 42 होना चाहिए, आपने जब फॉलो थ्रो करना है आर्म्स को आगे लेके आना है, उससे क्या होता है आप एकदम अपनी फोर्स, जब आपने एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को यूज किया है यू कैन फॉलो। आपने कभी भी फास्ट बॉलर को या किसी भी 100 मीटर स्प्रिंटर को देखा है जो भागते हुए एकदम रुक जाए? नेवर, वो कभी नहीं रुकेगा। अगर आप अपनी फोर्स को, अपने मूवमेंट को, मोमेंटम को एकदम रोक लेते हो तो वो ज्यादा आप पे स्ट्रेस पड़ेगा बॉडी पे। जैसे हम सिंपल है कोई बॉल को कैच करते हैं, ठीक है, तो कैच जब हम करते हैं तो ऐसे बॉल को पकड़ के ऐसे गिव इन करते हैं, कहीं पे भी बॉल होगी टुवार्ड्स बॉडी लेके जाते हैं। उससे क्या होता है, एक तो बॉल की जो आपका स्पीड है, जो फोर्स है, उसको हम कम कर देते हैं। अगर हम सीधा ऐसे रखेंगे तो बॉल का कॉन्टेक्ट होगा, वो बॉल आपको बहुत तेज लगेगी। अगर आप गिव इन ऐसे करते हो इनसाइड, उसको फोर्स के साथ साथ उसको पकड़ते हो, देन इट विल बी इजियर फॉर यू। आपको जो उसकी इम्पैक्ट है, उसका जो कॉन्टेक्ट जब आपका हैंड के साथ होगा तो वो उसमें इतनी फोर्स नहीं होगी। अदरवाइज आप उसको अगर सीधे हैंड से ऐसे किसी बॉल को रोकोगे क्या होगा, इट विल हर्ट यू। अगर आप उसको पकड़ो पीछे उसके साथ, उसको गिव इन करो, उसकी फोर्स को कम कर सकते हो। सेम अगर आप भाग रहे हो, किसी मोमेंटम में हो, भाग रहे हो एकदम 100 मीटर, तो 10 मीटर 15 मीटर वो एथलीट आगे निकल जाता है। ये नहीं कि आप भाग रहे हो एकदम रुक जाओगे, आप रुक ही नहीं सकते, आप गिर जाओगे, इतना मोमेंटम इतनी स्पीड बॉडी में होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इसमें अंडरस्टैंड करते हैं। तब फिर हमारा इसमें होता है मेन प्रिंसिपल स्किल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ स्किल। स्किल्स, ठीक है, यहां पे आपकी टेक्निक आ जाती है, इसमें स्किल्स टेक्निक। आपकी जो टेक्निक है अगर आपकी फॉल्टी होगी, ठीक है, तो नेचुरली चांसेस आपके ज्यादा हो गए। अब हम लोग किसी बॉल को थ्रो करते हैं, बॉल को, ठीक है, साइडवेज कर रहे हैं, अंडर आर्म कर रहे हैं, ओवर आर्म कर रहे हैं, ठीक है, हमको ये पता होना चाहिए ओवर आर्म करेंगे तो ज्यादा दूर जाएगी, साइड करेंगे या अंडर आर्म करेंगे। तो हर चीज की प्रॉपर टेक्निक बनी होगी, बनती है। अगर आप प्रॉपर टेक्निक के साथ आप कोई भी गेम खेलो, ए से जेड तक, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, एनी गेम, सबसे पहले वहां पे आपको टेक्निक सिखाई जाती है, फंडामेंटल स्किल सिखाए जाते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर गेम्स। मीन्स कि अगर आपको बॉल पकड़ना आपको सही नहीं आएगा तो आगे आप फर्दर आप उसकी ड्रिबलिंग सही नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आप ड्रिबलिंग कर रहे हो, अगर बॉल की हाइट आपके कंट्रोल में नहीं है, आप बॉल को हाई ड्रिबल कर रहे हो या बिल्कुल लो ड्रिबल कर रहे हो, तो क्या होगा, आपका कंट्रोल नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें हर गेम की एक डिफरेंट टेक्निक, स्किल्स, फंडामेंटल बने होते हैं। जब भी हम कोई गेम किसी को, बच्चे को शुरू कराते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको बेसिक स्किल्स से शुरू करते हैं। बेसिक्स टेक्निक क्या है उसकी, सपोज इफ यू आर गोइंग फॉर, अगर आप जिम जाते हो सपोज, ठीक है, अभिनव यू आर गोइंग फॉर जिम ना, व्हाट हैपेंड? अगर आपको रॉड को पकड़ना ही नहीं आएगा तो क्या करोगे आप? यस सर, होता है ना, बिगनर्स देखें कई बार क्या होता है, वो रॉड को, बार को एक तरफ ज्यादा पकड़ लेंगे, एक तरफ कम से पकड़ लेंगे, बीच में से पकड़ लेंगे, साइड से बिल्कुल किनारे पकड़ लेंगे। तो जब तक आपको इसकी नॉलेज नहीं होगी तो व्हाट हैपन, उसका जो इफेक्ट है वो आपको रॉन्ग ही होगा। समटाइम इससे क्या होता है, बॉडी आपकी स्क्योलोसिस हो जाती है। जो बेंच प्रेस बच्चे करते हैं, अगर वो एक साइड से ज्यादा कर रहे हैं, अगर आप स्क्वाड लगा रहे हो, आपकी मूवमेंट एक साइड पे लेटर मूवमेंट राइट और लेफ्ट साइड पे होती है, देन देर इज अ डिफॉर्मिटीज इन स्पाइनल, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है वहां पे क्या होता है, एस जिसको हम बोलते हैं, वो एक साइड पे हो जाएगी। तो बेसिक चीज, अगर आपने कोई भी गेम ले लो, आपने किक करनी है, अब फुटबॉल में देखो हम किक करते हैं, उसमें चिप किक है, ठीक है, बनाना किप है, किक है आपका, रिवर्स किक है, ये सारी टेक्निक उन्होंने बनाई है। जब आपने किक करनी है, बॉडी कहाँ होगी आपका, आर्म्स कहाँ पे होगा, बॉडी वेट कहाँ पे होना चाहिए, तो दैट इज अ फंडामेंटल स्किल्स। वो जो फोर्स आपने अप्लाई करनी है, आपको मैं सिंपल बताता हूँ, अगर आप कोई चीज को, हैवी वेट को अगर आप अपने दूर से उठाते हो इन फ्रंट ऑफ योर बॉडी, तो आपको इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू लिफ्ट दैट पर्टिकुलर वेट। अगर आप उसी वेट को क्लोज टू योर बॉडी आप
उठाते हो, पिक करते हो, देन इट विल बी इजियर, क्योंकि क्लोज जितना बॉडी से होगा उतनी आपकी पावर उसमें स्ट्रेंथ प्रॉपर यूज होगी. सर इसका एग्जांपल है एक बड़ा अच्छा, विच वन सर जो बारबेल होती है, रोड होती है, उसको सेंटर से उठाना इजी होता है और लेफ्ट या राइट कोने से उठाना मुश्किल होता है. हाँ जी, उसमें वो साइड से ऐसे करते हैं ना, पहले बताते हैं बिगिनर्स को, रॉड को आपने बोथ हैंड से इक्वल पकड़ना है प्लेट से, देन यू कंट्रोल इन सेंटर. ठीक है, तो वो कई बार बच्चे ऐसे ही सीधे पकड़ लेते हैं, उसको उठाना शुरू कर देते हैं. तो वो ये बेसिक्स हैं, इसीलिए आप कोई भी गेम खेलो, कोई भी काम करो, जो जब आपका जिस बच्चे का, एक आपको मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, जो बच्चे प्रॉपर कोचिज के अंडर प्रैक्टिस करते हैं, जो क्वालिफाइड कोचिज हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनकी टेक्निक, उनका जो स्किल्स है, उनका जो खेलने का तरीका होगा उस गेम में, वो एंटायरली डिफरेंट होगा जो बच्चे आपके नॉन क्वालिफाइड, ठीक है, कोचिज जहां कोई सेंटर है चले गए वहां पे, आपके वहां कोई खिला रहा है जी, जिसको नॉलेज नहीं गेम की, उन बच्चों में डे नाइट का डिफरेंस होगा. द वे दे स्टैंड, द वे दे होल्ड देयर इक्विपमेंट्स, वो एंटायरली डिफरेंट होगा. क्योंकि जो क्वालिफाइड सेंटर कोचिज के पास बच्चा जाएगा, वहां पे वो सबसे पहले बेसिक उसको ये ही सिखाते हैं कि आपने कैसे होल्ड करना है इक्विपमेंट को, आपका स्टांस कैसे होना चाहिए, ठीक है, आपकी बॉडी की क्या पोजीशन होनी चाहिए, आपका बॉडी का वेट आपके लेग्स पे कैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, आपकी आईज का कॉन्टेक्ट क्या होना चाहिए. एंड मोर ओवर, वेन एवर यू आर हिटिंग एनी ऑब्स्टिकल, आप क्रिकेट खेलते हो, अगर क्रिकेट में आप बैट को कहाँ पे फोर्स मेन अप्लाई होगी आपकी, क्रिकेट में हम बैट का एक पार्ट होता है जो सबसे नीचे से 4 inches अबव, दैट पार्ट इज नोन एज अ स्वीट पार्ट ऑफ बैट. स्वीट पार्ट, व्हाई वी कॉल दैट स्वीट पार्ट, बिकॉज वो पार्ट एक ऐसा होता है जहां से मैक्सिमम आपकी फोर्स जनरेट करते हैं हम, इसीलिए हम उसको स्वीट पार्ट बोलते हैं. अगर बैट के हैंडल के पास बॉल लगती है तो आपको पता होगा क्या होगा, वो इतनी फोर्स से नहीं जा पाती आगे, ठीक है. तो इम्पैक्ट कहाँ पे कॉन्टेक्ट आपने करना किस चीज को, वो बहुत जरूरी होता है. देन इट विल बी हेल्पफुल इन, जब आपकी स्किल अच्छी है, परफॉर्मेंस टेक्निक अच्छी है, फंडामेंटल स्किल अच्छी है, तो क्या होगा, इट विल हेल्प्स इन योर परफॉर्मेंस. अगर आपने अच्छी टेक्निक से आपने अपनी गेम को शुरू किया, आपके फंडामेंटल स्किल अच्छे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, नेचुरली आपकी जो परफॉर्मेंस है स्पोर्ट्स में वो अच्छी होगी. जैसे जैसे आप बड़े होंगे, एडवांस टेक्निक आपको मिलेगी, योर बॉडी विल बी एबल. अब आपका बैक हैंड का ग्रिप कैसा है, फोर हैंड का ग्रिप कैसा है, अगर आपका ग्रिप अच्छा नहीं होगा, अगर आप बैडमिंटन खेलते हो, टेबल टेनिस खेलते हो, लॉन टेनिस खेलते हो, ठीक है, जेवलिन, जहां पे आपका ग्रिप मेन है, अगर आपका ग्रिप प्रॉपर नहीं होगा, राउंड शेप ग्रिप होता है, समटाइम पीपल होल्ड राउंड शेप, दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर बैक हैंड, आप बैक हैंड नहीं खेल सकते हो फिर. तो उसके लिए वी शेप ग्रिप होना चाहिए, आपका इंडेक्स फिंगर एंड थंब की वी शेप बनी होती है व्हाइल यू आर होल्डिंग द बैट. कोई भी आप क्रिकेट बैट लेते हो, आप टेनिस खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, दैट इज अ मेन फंडामेंटल स्किल्स. नो डाउट इफ योर फंडामेंटल स्किल इज गुड, योर परफॉर्मेंस विल बी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव. देन हेल्प्स इन मॉडिफाइंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. बायोमैकेनिक्स का मेन रोल है, आपने इक्विपमेंट्स देखा होगा, लेटेस्ट इक्विपमेंट जो होते हैं वो उसी पे बेस होते हैं, उस पर आपने साइंस से सारा, फिजिक्स से रिलेटेड आपने डिफरेंट फोर्सेस उसमें अप्लाई करनी है, उसकी क्या शेप होनी चाहिए, उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, उसकी ब्रेथ लेंथ हाइट, ईच एंड एवरी स्पोर्ट्स देयर इज अ फिक्स, वहां पे उन्होंने उसका मेजरमेंट फिक्स किया होता है कि आपको उससे अगर ज्यादा बड़ा आप करोगे देन इट इज अ फाउल, आपको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है. हर प्रिस्क्राइब उन्होंने, जैसे आपका सिलेबस होता है, ठीक है, एकेडमिकली सेम एज इन स्पोर्ट्स, ईच एंड एवरी इक्विपमेंट ऑफ योर रिलेटेड टू इक्विपमेंट, योर ग्राउंड कंडीशन, वो सारी उन्होंने प्रिस्क्राइब किया होता है रूल और रेगुलेशन में कि ये चीज अंडर दिस प्रोविजन आपने खेलना है. तो ये बायोमैकेनिक्स का, इसमें फिर नेचुरली इफ योर फंडामेंटल स्किल इज गुड यू विल इम्प्रूव. और सबसे मेन रोल इसका बायोमैकेनिक्स का क्या है, कोचिज को और टीचर्स के लिए इट इज वेरी हेल्पफुल. अगर आपको इसकी नॉलेज होगी, ठीक है, तभी आप बच्चों को बता पाओगे, और इससे क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा फर्क आएगा.
अब आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। आगे हम हाई जंप करते थे तो हम भागना और जैसे ट्रेडिशनल स्टाइल में क्रॉस बार को जंप कर गए हैं, सीजर कट कर गए हैं, स्ट्रेडल रोल कर गए हैं। दिस इज अर्ली टेक्निक यूज, स्ट्रेडल सीजर। सीजर मीन्स की कैंची की तरह से आपकी एक लेग जाएगी, दूसरी जाएगी एंड यू क्रॉस द बार। स्ट्रेडल मीन्स कि जैसे आप हॉर्स राइडिंग करते हो, हॉर्स राइड पे बैठते हो, लेग को क्रॉस करोगे ऊपर से क्रॉस बार के। अब जिसको टीचर्स को, कोचिज को जो अपडेट हैं, जिन जो नॉलेज में अपना अपडेट रहते हैं अपने सब्जेक्ट से, उनको पता है कि नाउ इट इज व्हाट हैपन इन हाई जंप, फॉल्स बेरी फ्लॉप टेक्निक आ गई है, इट इज एंटायरली डिफरेंट। उसमें आप क्या करते हो, आपके पहले हैंड्स जाएंगे, फिर अपर बॉडी, फिर लोअर बॉडी जाएगी, आर्क बनाता है वो एथलीट। तो दैट इज द मोस्ट, आप कह लो भी, पॉपुलर एंड बेस्ट टेक्निक वर्ल्ड में। जितने भी हाई जंपर्स हैं वो ही टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी फोर्सेस और उसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे मूवमेंट करनी है, ये सारी रिसर्च करके, बायोमैकेनिक्स आपका पढ़ के, फोर्सेस का सारा करके वो स्टडी करते हैं। इसमें फिर आपका ट्रेनिंग के लिए इट इज वेरी हेल्पफुल। आपको जब पता है कि आपने ये टेक्निक यूज करनी है, तो उसके रिगार्डिंग इट विल हेल्पफुल फॉर ट्रेनिंग, टू गिव ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू दैट जो आपकी रिक्वायरमेंट है। आपने कौन सी स्किल्स, कौन सी टेक्निक एग्जीक्यूट करनी है, कौन सी करवानी है ट्रेनी से, तो आप उसको उसी हिसाब से मॉडिफाई करके करवाओगे। जैसे मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग का क्या है, अर्लियर वी यूज टू रन फॉर 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर्स। ठीक है, आगे हमारा माइंडसेट क्या होता था कि हाँ जी सुबह भागना है, जितना मर्जी भागते रहो, दैट इज जस्ट लाइक इन आर्मी ट्रेनिंग, कि सुबह उठ के भागते रहो, जब तक गिरोगे नहीं तब तक भागते रहना है, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। बट नाउ डेज ट्रेंड इज टोटली चेंजिंग रिगार्डिंग एडवांस ट्रेनिंग। अब वो क्या करते हैं, इंटरवल ट्रेनिंग। उन्होंने देखा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 1 आवर, 1.5 आवर रनिंग, आप भाग रहे हो 20 किलोमीटर भाग रहे हो, इससे बेटर है आप छोटे स्पेल में, छोटे डिस्टेंस में भागो, ज्यादा बाहर भागो। ठीक है, इंटरवल ट्रेनिंग आ गई है, आप रेस्ट भी लोगे, आप रेपिटेशन ज्यादा लोगे उसके। ठीक है, तो दैट विल बी बेनिफिशियल, मोर बेनिफिशियल फॉर यू। तो ये सारी एडवांस चीजें रिसर्च करके ही आती है। देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लेयर्स, और लास्ट में इट इज हेल्पफुल इन रिसर्च वर्क। जितने भी हम रिसर्च वर्क करते हैं उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, नाउ इट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।